गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? चलो अपन नेक्स्ट, पहले अपने एक टॉपिक डिस्कशन किया था, उसकी कंटिन्यूटी में दूसरा टॉपिक डिस्कस, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मेडिसिन है, उसके कौन से मेथड हैं, मतलब औषधि देने की क्या विधियां हैं, औषधि देने की क्या विधियां हैं या क्या मेथड्स हैं, ड्रग्स देने के कौन कौन से मेथड हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला नंबर का अपने उसमें भी डिस्कशन किया था, ओरल या मुंह से देने वाली औषधि। सेकंड नंबर के अपने डिस्कशन किया था लोकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स की बारे में बात करी थी। एक अपने पढ़ा था, चार नंबर का अपने, तीन नंबर का अपने पढ़ा था कि इंस्टिलेशन, आंखों में औषधि डालना भी मेथड पढ़ा था। अंतः श्वसन में पढ़ा था, इनहेलेशन पढ़ा था, मेडिकेशन बाय इंजेक्शंस। ये अपने इतने सारे मेन मेन ऑब्जेक्टिव पढ़े, एक किसी भी ड्रग्स को देने के क्या रूट हो सकते हैं या क्या मेथड हो सकता है। जैसे ओरल के थ्रू दिया जा सकता है, ओरल के थ्रू दिया जा सकता है या लोकल एप्लीकेंट के थ्रू दिया जा सकता है, इंस्टीलेशन के थ्रू दिया जा सकता है या इंजेक्शन के थ्रू दिया। मोस्टली अपने इंडिया के अंदर इतने सारे फॉलो किए जाते हैं। तो अपन जैसे फर्स्ट है, अपन डिस्कशन कर लेते हैं, सबसे मेन अपने जो है वो अपन इसमें पढ़ना चाह रहे हैं मेडिकल जो इंजेक्शन है उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये अपन, मैं डिस्कशन करता हूँ इंजेक्शन। तो ये एक अपना इंजेक्शन है, तो इसके इंजेक्शन के अपन पार्ट के बारे में पढ़ना चाहेंगे। पार्ट का मतलब है कितने इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का सीधा मतलब है ये जो इंजेक्शन है उसके कौन सा हब होता है, कौन सा निडल, कौन सा प्लम्बर होता है। जैसे आपको कई बार ऐसा कह दिया जाए निडल लेके आनी है, निडल कितना गेज की है, 22 की है, 24 की है, 26 की है, 18 की है। तो ये अकॉर्डिंग गेज का मतलब चौड़ाई होता है, जितना नंबर ज्यादा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा वो साइज में क्या होगा पतलापन आएगा। 18 गेज का मतलब मोटी ज्यादा होगी। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन डिस्कशन करते हैं, ये जो आगे स्टील की जो संरचना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ से दूरी इसको अपन निडल बोलते हैं, ठीक हो। ये जो स्टील वाली संरचना को ही अपन निडल बोलते हैं और ये निडल हब होता है, ठीक हो। और आगे को बेवल बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, मतलब स्टील वाली संरचना को अपन क्या कहते हैं निडल कहा जाता है। और पिस्टल जो पहले वाली संरचना है उसको अपन क्या कह सकते हैं कि बेरल कहा जाता है। जैसे रबर ब्लब है, इसके अंदर रबर ब्लब होता है, इसके अंदर एक स्केल होती है जिसके अंदर मेजरमेंट क्या होता है, ये प्लम्बर होता है, प्लम्बर ये थंब रेस्ट होता है, यहाँ पे अंगूठा करके देते हैं, ये फिंगर फ्लेंज होती है, ये प्लंगर होता है, अंदर की तरफ प्लंगर होता है, ये अंगूठा रख के इस पिस्टन को अंदर की तरफ दिया जाता है, और ये बाहर की तरफ होलो बेरल होता है, ये बेरल शेप में होता है इसलिए ये बेरल होता है। तो हमेशा इसके अंदर ध्यान में रखियो कि निडल का मतलब सिरिंज, दो चीज होती है, एक होती है सिरिंज और एक होता है निडल, ठीक है। सिरिंज 5 ml, 10, 15, 20 ml ऐसे होती है, ठीक हो। निडिल है वो 18, सॉरी 18, 20, 22, 24 और 26 की होती है, ठीक हो। तो इसमें आपका एग्जाम में निडल जो स्टील की बनी होती है, निडल का मतलब क्या है, जो स्टील की बनी होती है वो क्या होती है निडल होती है। स्टील की बनी हुई चीजें क्या होती है निडल होती है, सीधी सी बात है। और जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है वो क्या होती है सिरिंज होती है बस। और इसके अंदर जो बल्ब होता है वो निडल हब होता है, जो आगे की तरफ जोड़ते हैं हब होता है, ये प्लंगर होता है, और इसके अंदर जो थंब रेस्ट के थ्रू अपन उसको अंदर प्रेशर से करते हैं बस, और आज कुछ नहीं पढ़ना। अब अपन पढ़ना कि अगर अपन किसी को ये इंजेक्शन दिया जाता है, मोस्टली इंजेक्शन दिया जाता है तो दर्द होता है, ये आपको भी पता है। तो ये जो दर्द होता है तो और सारे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इंजेक्शन गलत जगह लग जाए तो प्रॉब्लम है। तो इसमें इंजेक्शन की कौन कौन सी जटिलताएं हैं या ऐसे कहें कॉम्प्लिकेशन, इंजेक्शन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीड़ा या दर्द या पेन होता है। सेकंड नंबर की अगर अपन बात करें तो टिश्यू ट्रामा होता है, जैसे इंजेक्शन है अपनी बॉडी में कहीं जाए तो टिश्यू ये वो क्या टिश्यू के अंदर से जाता है तो टिश्यू क्या होंगे रप्चर होते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन हो सकता है, अगर अपन किसी को गलत इंजेक्शन या कंटामिनेटेड इंजेक्शन लगा दिया तो उसको क्या हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड की अपन बात करें कि उसको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ओरली मेडिकेशन कम एलर्जिक रिएक्शन करती है कंपेयर टू
पेरेंटल मेडिसिन या इंजेक्शन है तो वो सबसे ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। और अगर कई बार अपन इंजेक्शन देते हैं उस साइड पे क्या हो सकता है कि पस बन जाती है, पस बन जाती है या मवाद बन जाती है, तो ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। कई बार हेपेटाइटिस भी हो सकता है। हेपेटाइटिस का मतलब आपने क्या किया, अगर वो मेडिसिन जो जिस निडल से के थ्रू दिया है या जिस निडल के थ्रू आपने दिया, हो सकता है वो निडल क्या हो, हेपेटाइटिस या किसी के दूसरे के ब्लड के टच में हो, तो इसके हेपेटाइटिस हो सकते हैं। या अपन किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो हेपेटाइटिस का पेशेंट था, अपन उसको इंसर्ट कर दिया, बाहर निकालते टाइम वो अपन को प्रिक हो गई, तो उसका हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन अपने में हो सकता है। और अगर आपने कई बार गलत जगह लगा दिया, जैसे इंट्रा मस्कुलर अपन इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रू मसल्स में, और मसल्स में जाके वो अगर नर्व में चली गई, नर्व में चली गई तो क्या होगा, वो पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद में अपने जैसे क्या बताएं, अपने ब्लड इन्फ्यूजन कर रहे हैं मेडिसिन में बाई इंजेक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, वो इंजेक्शन के थ्रू क्या होगा, उसमें अगर एयर रह जाती है तो अपने हार्ट में वो उसमें चली जाती है बॉडी में, और उसका एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। और कई बार मोस्टली जो बच्चे होते हैं उसके आघात होते हैं, मानसिक आघात भी होते हैं, जैसे कि जो बच्चे और कई बार बड़े बड़े पर्सन लेडीज जेंट्स वो इसको इंजेक्शन को नहीं लगवाते हैं। अपन इंजेक्शन लगाते हैं तब तो अपन को ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती है, लेकिन अगर वही इंजेक्शन आपको लगाया जाए तो आपको भी ऐसा दर्द होती है। और ये अंतर्वाही का इंजेक्शन होती है, आकस्मिक अंतर्वाही का इन्फेक्शन हो सकता है जिसका लेट बाद में पता पड़ता है। तो बेसिकली अपन बात करें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, टिश्यू ट्रामा हो या अग्निघात हो सकता है, इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है, एलर्जी या तीव्र गायी प्रतिक्रिया हो सकती है, पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकती है, पैरालिसिस हो जाए अगर गलत टाइम जगह दे दिया तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो जाएगा। और अगर किसी को अपन इंजेक्शन है वो अपन को प्रिक हो गया तो अपन को हेपेटाइटिस या HIV एड्स हो सकता है, एयर इम्बोलिज्म हो सकता है, और मानसिक आघात भी हो सकते हैं। ये थे मोस्टली क्या थे इसके कॉम्प्लिकेशन थे। अब इंजेक्शन के बेनिफिट क्या है, अगर जितने सारे जिस चीज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके उतने ही क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट या एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज मतलब क्या लाभ होते हैं इसके, तो मोस्टली इसका लाभ एक ही लाभ है, अगर इसको जल्दी से शीघ्रता से दी जाए तो जल्दी अवशोषित होती है और ये शीघ्रता से दी जा सकती है, ठीक है। तो इसका एक्शन भी क्या होगा, मतलब अपने लिखते हैं सबसे पहले तो ये शीघ्रता से दी जा सकती है, एक्शन भी क्या होता है, तीव्र होता है, तुरंत एक्शन में आता है, और इसके अंदर मेडिसिन है वो क्या जल्दी अवशोषित होती है, और इसे पाचन तंत्र में है अपनी जो लेयर है उसको नष्ट नहीं होने देता, मतलब ना ही पाचन तंत्र उत्तेजित करता है, मतलब पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, सेफ रहता है ओरल मेडिकेशन से। नेक्स्ट की अपन बात करें कि जो मेडिसिन ले नहीं सकता, जैसे कोई बेहोश है या फिर को असहाय है, अनकॉन्सियस है, तो उस अनकॉन्सियस को भी अपन क्या सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, ओरल मेडिकेशन उसको नहीं, वो लेगा नहीं तो क्यों, तो बेहोश है वो ले नहीं सकता, इसकी वजह से यूजफुलनेस है। और इसके बाद में ये जो मेडिसिन है किसी अपने शरीर में विशेष जगह है, ये अपन बोल सकते हैं स्पेशियल एरिया में अपन इसको दे सकते हैं, मतलब जितने सारे इंजेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू एक्शन या अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनेबल होते हैं, उस पर किसी न किसी फिक्स ऑर्गन में दिया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइप ऑफ इंजेक्शन क्या है। टाइप ऑफ इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो इंजेक्शन मोस्टली अपने पहले भी अपने डिस्कशन किया था, इंजेक्शन 4 से 5 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अपन इंजेक्शन की अपन बात करें, 4-5 प्रकार की अगर अपन बात करें तो वो अपने इंजेक्शन है, वो 4-5 प्रकार होने का मतलब है अकॉर्डिंग टू स्पेस या अकॉर्डिंग टू जगह उसके प्रकार इसके नाम निकाले गए हैं। इंट्राडर्मल इंटू द डर्मिस मतलब हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अगर एपिडर्मिस के नीचे दिया जाता है उसको डर्मिस इंजेक्शन कहा जाता है, अंत त्वचीय इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस अगर डर्मिस के नीचे दिया जाता है उसको अपन सबक्यूटेनियस कहा जाता है, जिसको एंगल अपन 15 डिग्री का रखते हैं, हाइपोडर्मल में 45 डिग्री का रखते हैं,
और इंट्रामस्कुलर में अपन 90 डिग्री के अंदर इंजेक्शन को अपन बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। इंट्रावेंस अपने शरीर में जो वेंस दिखाई देती है ब्लू ब्लू कलर की होती है, उसके अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंट्रावेंस कहा जाता है। जैसे मोस्टली किसी को ड्रिप लगाना होता है तो इंट्रा वेंस में लगाया, कभी भी आर्टरी में नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है एंट्रा स्पाइनल। एंट्रा स्पाइनल अगर किसी को सुन करना है या किसी की डिलीवरी करवानी है या किसी का ऑपरेशन करना है, उसमें जो ड्रग्स दिया जाता है या जो रूट दिया जाता है वो रूट कौन सा होता है? इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन होता है। तो मोस्टली अगर कॉमन अगर अपन किसी का इंजेक्शन की बात करें तो जो कॉमन इंजेक्शन है वो मोस्टली अपने 4 से 5 प्रकार के होते हैं, और वो जो 4-5 प्रकार के होते हैं वो ही क्या होते हैं जिसको यूज में लिया जाता है। यूज में लेने का सीधा मतलब है कि इंट्रामस्कुलर सबसे कॉमन पॉपुलर है, इंट्रा ओसीएस अपने बोन में दिया जाता है, इंट्रा वेन सबसे ज्यादा दिया जाता है, इंट्रा स्पाइनल ऑपरेशन में दिया जाता है, इंट्रा डर्मिस या सबक्यूटेनियस, ये 5 और 6 प्रकार के अपने इंजेक्शन हो गए। इसकी डिटेल अपन 1 बाय 1 आगे चीज में पढ़ते रहेंगे। तो वो आती है देखो, अगर मैंने जैसे इंट्रा ओसियस की बात करी, बोन के अंदर देने वाला इंजेक्शन इंट्रा ओसियस कहा जाता है, पेरिटोनियल में देने वाला पेट में एब्डोमिनल लेयर में देने वाले को अपने इंट्रा ओस, पेरिटोनियल का इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इन्फ्यूजन का मतलब होता है अगर लार्ज अमाउंट या ज्यादा डोज या जो अपने क्या बोलते हैं इसको फ्लूड दिया जाता है अपने बॉडी के अंदर, उसको इंट्रा इन्फ्यूजन्स बोलते हैं। जैसे आपने D5, D10, DNS, RL और NS, ये अपने लिक्विड होते हैं जिसको इन्फ्यूजन कराया जाता है। और क्या वेन सेक्शन कट डाउन भी होता है, वेन को कट करके फिर उसमें इन्फ्यूजन दिया जाता है। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है रक्तदान, जिसको अपने ब्लड लगाते हैं उसको ही अपन ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अगर किसी को ब्लड लगाया जाता है उसको ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। और हाइपो स्प्रे का मतलब है किसी को जैसे अपन हाइपो स्प्रे जैसे अपन लगाते हैं दर्द की दवा को अपन लगाते हैं, मोस्टली स्प्रे अपन हमेशा क्या आते हैं सेंट वगैरह लगाते हैं, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कि डियो लगाते हैं, वो एक स्प्रे है हाइपो स्प्रे, मतलब स्किन के ऊपर उसको छिड़क के उसकी औषधि के काम में लिया जाए उसको हाइपो स्प्रे कहा जाता है। बस इतनी सी सीधी ध्यान में रखनी है, आपको ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। बस ये 10 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं और इसको ही आपको रिमेम्बर ध्यान में रखना है। और आपके ANM के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको ANM में मोस्टली 3 या 4 प्रकार से इंजेक्शन आते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मिस और एपिडर्मिस। लेकिन इसके अलावा भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मोस्टली ट्रांसफ्यूजन का काम आप भी करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम आप भी कर सकते हो। कल को आपको सेकंड ग्रेड में प्रमोशन है तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करना पड़े, तो उसके लिए भी आपको क्या हो सकता है कि वो वहां पे लॉन्ग टाइम तक काम करना पड़ सकता है। अब देखो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये है एक इंजेक्शन, कौन से टाइप का इंजेक्शन आप देख के बताओ ये कौन से प्रकार का टाइप का इंजेक्शन है। ये देखो कौन से प्रकार का है, बताओ कौन से प्रकार का है ये इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में देने वाला इंजेक्शन है उसको इंट्रामस्कुलर कहा जाता है। जैसे मांसपेशियों का इंजेक्शन जैसे अपन लिखते हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, ठीक हो। ये कितने डिग्री पे है, ये देखो ये अपनी स्किन है और ये कितने डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, ठीक हो, समझ में आ रहा है। अपन जो भी इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पे अपन देंगे। तो ये इसको देखो, त्वचा अत्वचीय परत मांसपेशियां, तो ये जो मसल्स हैं अपनी स्किन के नीचे थर्ड लेयर में जो मसल्स हैं उसमें दी जाती हैं, तो उसको 90 डिग्री एंगल पे अपन लगाया जाता है, वो अपना क्या है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। नेक्स्ट अपन इसे कंटिन्यूटी में लेके आते हैं, ये देखो ये इंजेक्शन कौन था, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन ये देखो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, आप देखो ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है ये, और ये देखो मोस्टली कितना ये 15 से 20 डिग्री एंगल बना रहा है ना। और ये त्वचा है, ये देखो ये यहाँ त्वचा है, ये जस्ट त्वचा के नीचे लगाते हैं तो इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक हो। ये देखो ऊपर त्वचा है, सेकंड सबक्यूटेनियस है, थर्ड मांसपेशी है, मांसपेशी में देने वाले को 90 डिग्री, त्वचा में दे 15 से 20 डिग्री, ये
45 डिग्री के लगभग दिया जाता है। नेक्स्ट अपन इसे कंटिन्यूटी में अपन लेके आए हैं कि वो देखते हैं, ये देखो कौन सा वाला है, इंट्रावेन्स, ये त्वचा, ये सीरा, ठीक हो, ये इंट्रावेन्स। इंट्रावेन्स का मतलब है वेन के अंदर देने वाला इंजेक्शन, ये वेन है जिसके अंदर क्या होती है, ये वेन आर्टरी, सॉरी ये वेन है जिसके अंदर अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, और जो अपने शरीर में ये देखो यहाँ ब्लू कलर की दिखाई देती है वो है। इसके अंदर अगर अपन सीरम ट्रांसफ्यूजन करना है या अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या फिर अपने ऐसा हो सकता है इसके अंदर कोई फ्लू ट्रांसफ्यूजन करना है, तो जो वेन के थ्रू ड्रग्स दिया जाता है या मेडिसिन दी जाती है उसको अपन क्या बोला जाता है कि इंट्रावेन्स कहा जाता है। और नेक्स्ट अपने आती है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब अपने देखो ये वो सेम ही चीज है, त्वचा के जस्ट नीचे दे रहे हैं, तो 15 डिग्री का अपने पढ़ा था, ये सबक्यूटेनियस है। जैसे ये वाले क्यूटेनियस में दी जाती है इसको, तो उसको सबक्यूटेनियस कहा जाता है। नेक्स्ट अपने इसकी बात करें, सबक्यूटेनियस के बाद में आता है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन कौन कौन सी जगह दिया जा सकता है। आपके एग्जाम में ये सब बात नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे थे, एनएम हो, जीएनएम, बीएससी, सब जगह इंजेक्शन एक ही प्रकार के होते हैं, चाहे डॉक्टरी एमबीबीएस करो तो भी इंजेक्शन एक ही प्रकार के होते हैं। तो अपने फर्स्ट वाला पढ़ा था इंट्राडर्मल, जो अपने डर्मिस में इंजेक्शन दिया जाता है वो जस्ट नीचे, जो अपनी एपिडर्मिस है उसके जस्ट नीचे लगाया जाता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। ये मोस्टली कहाँ कहाँ लगाया जाता है, ये मोस्टली फोर आर्म, ये अपनी भुजा है, आर्म फोर आर्म है, इसके अंदर ये नीचे लगाया जाता है। तो इसको अपन जैसे नीचे थ्री फिंगर नीचे में लगाया जाता है ये, तो इसको दिया जाता है एंटीरियर चेस्ट, अपनी छाती के आगे लगाया जाता है, और पोस्टीरियर चेस्ट और अपनी बॉडी के पीछे लगाया जाता है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, और अपने फोर आर्म के लिए, फोर आर्म, आर्म ये आर्म है, ये फोर आर्म है, ये हैंड है, कंफ्यूजन मत होना, फोर आर्म ये, आर्म ये, हैंड ये, इतना सा हैंड है, ये फोर आर्म, सॉरी आर्म है, ये फोर आर्म है, फोर आर्म में थ्री फिंगर, ये अपने एक्रोमिन प्रोसेस से थ्री फिंगर नीचे की तरफ अपन इंजेक्शन लगाते हैं, उसको अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया, थ्री फिंगर नीचे। आप इसमें देखना कि आपके जो भी टीबी का टिटनेस, उसका टीबी का जो टीका लगा हुआ है वो अपने नेक्स्ट फिंगर में निशान सा बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि सबक्यूटेनियस की बात करते हैं। सबक्यूटेनियस की मोस्टली अपन बात करें तो सबक्यूटेनियस है वो अपनी अधत्वचा उत्कों के नीचे एरोलर टिश्यू के ठीक नीचे इंजेक्शन या दवाई या हाइपोडर्मिस में दी जाती है। ये मोस्टली इंसुलिन होता है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे इंसुलिन दिया, ऊपरी भुजा के बाहरी भाग पर दिया जा सकता है, पोस्टीरियर चेस्ट वाल में दिया, स्केपुला में, स्केपुला में भी दिया जा सकता है, ये पीछे के लिए स्केपुला होता है, यहाँ पे भी ये दिया जा सकता है, जांघों के अग्रव पार्श्व भाग, ये जो अपनी जांग होती है उसमें भी ये ड्रग्स दिया जा सकता है। ये मोस्टली इंजेक्शन जो अपने इंसुलिन का ड्रग देते हैं, ये ध्यान में रखिए, इंसुलिन इंजेक्शन कौन से रूट के थ्रू दिया जाता है, ये मोस्टली अधोत्वचक या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट अपने इसकी कंटिन्यूटी में आते हैं कि इंट्रावेन्स इंजेक्शन क्या होते हैं। इंट्रावेन्स का सीधा मतलब मैंने आपको बताया था, जो अपनी वेन है अगर उसके अंदर इंजेक्शन दे दिया जाए तो इंट्रावेन्स कहा जाता है, और आर्टरी में अगर इंजेक्शन दिया जाए तो उसको इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन कहा जाता है। ये आपको तीसरे नंबर का समझ में आया। इसके मोस्टली सिफेलिक हो सकती है, बेसिलिक सीरा हो सकती है, मीडियल क्यूबिटल सीरा हो सकती है, सेफारिक सीरा हो सकती है, आगे के बाएं के अंदर की सीराएं हो सकती है, मतलब ये जो जितनी सारी सीरा होती है या जो वेन होती है उसके अंदर ये जो मेडिसिन के रूप को अपन दिया जाता है। तो इसके अंदर देने के देखे रूट देख लो, जैसे अंडर द स्किन, ये अपनी स्किन है, मैंने एक्रोमिन प्रोसेस से बताया, तीन फिंगर नीचे अपने एक्सट्रैक्ट अंडर द स्किन किसके नीचे दिया जाता है, ये जस्ट नीचे की तरफ, ये इंट्रावेन्स या इंट्रा स्किन हो सकता है, इसको बहुत नीचे की तरफ दिया जाता है इस नीडल के थ्रू। अपने कई बार ब्लड सैंपल लेते हैं, वो भी ब्लड सैंपल आप कहाँ से लेते हो, ब्लड सैंपल है वो कहाँ से लेते हो,
वेन के थ्रू लेते हो। तो ये जो वेन दिख रही है, तो ये आप ऐसे सिरा फुला के ये जो वेन दिख रही है, इन वेन के थ्रू लिया जाता है ब्लड सैंपल। तो इंट्रा कौन सा है, इंट्रा वेन्स के थ्रू अपन ब्लड सैंपल लेते हैं। और ये मोस्टली है किसी भी इंजेक्शन को पिक करने, ऐसे फिल करके, जैसे ये मेरा है, ये वाला अपने वाइल है, इसके अंदर अपने ऐसे सिरा करके उसके अंदर फिल करते हैं थ्री फिंगर से, ऐसे पकड़ के फिर इसके पिस्टन को पीछे की तरफ खींचते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रा मस्कुलर। इंट्रा मस्कुलर का मतलब ये सबसे पॉपुलर इंजेक्शन है कि इंट्रा मस्कुलर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसकी आप अगर अपन बात करें तो वो अपन है कि इंट्रा मस्कुलर को मोस्टली 4 से 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। ये जो 4 से 5 भाग हैं वो मसल्स के अंदर दी जाती हैं। जैसे मैंने पहले आपको इंट्रा मस्कुलर का मतलब मसल्स के अंदर, तो ये मोस्टली 4 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। डोर्सल ग्लूटियल साइड, यह मोस्टली अपने बटक्स होते हैं उस पर दिया जाता है। डेल्टोइड मिड डेल्टोइड साइड, मिड डेल्टोइड साइड का मतलब होता है ये एक्रोमिन प्रोसेस से थ्री फिंगर नीचे मोस्टली ये मसल्स होती है, यहाँ पे डेल्टोइड एरिया में दिया जाता है वो मस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री पे अपन को इसको देते हैं। वेंट्रोग्लूटियल साइड होती है जो अपने बटक्स पे देते हैं। डोर्सो ग्लूटियल साइड वो भी वाक्स लेटरलिस साइड, ये अपने वाक्स लेटरलिस साइड का मतलब अपनी जांग होती है उसके साइड के, ये मोस्टली बच्चों में देने वाला क्या होता है, ड्रग्स होता है। ये देखो ये ड्रग्स होते हैं मोस्टली किसमें देती हैं, बच्चों में आईएम लगाते हैं। डोर्सल ग्लूटियल ये दोनों मोस्टली क्या होते हैं, बटक्स पे लगाते हैं, मतलब कुल्हे पे लगाने वाले इंजेक्शन है। और ये अपने फोर आर्म या कंधे पे लगाने वाले हैं। ये बच्चों में मोस्टली टांग अपनी जांग होती है, सॉरी जो जांग के लेटरली साइड, मतलब जांग के साइड के अंदर लगाने वाले इंजेक्शन को वार्सल लेटरलिस साइड बोलते हैं। डेल्टोइड मतलब अपने कंधे पे लगाते हैं। ये डोर्सल ग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल ये बटक्स पे अपन को मोस्टली इंजेक्शन लगाया जाता है। ये देखो यहाँ पे है मोस्टली इंट्रास्पाइनल का, आपको मैंने इंट्रावोसियल इंट्रास्पाइनल आपको मैंने पहले बता दिया, इसको बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जिसको अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से इंजेक्शन कौन से रूट या कौन से में लगता है। ये देखो ये अपनी स्किन है, आपको ये पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अपनी एक स्किन है जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसको अपन क्या बोला है, इस लेयर को अपना एपिडर्मिस बोला है। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है, डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस होता है, और सबक्यूटेनियस के नीचे मसल्स होती हैं। ठीक हो, तो अपने इंजेक्शन कितने प्रकार के हो गए, मोस्टली 3 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। एक तो होता है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस होता है, हाइपो से नीचे वाले को अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, सॉरी एपिडर्मिस ऊपर वाला होता है जिसके अंदर मोस्टली अपन इंजेक्शन बहुत ही कम लगाते हैं, ये स्किन की है, डर्मिस में लगाते हैं। डर्मिस सेकंड पार्ट है, देखो ये फर्स्ट है, डर्मिस सेकंड है, सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस ये थर्ड है, और चौथा है ये मस्कुलर है, आपको इतनी ध्यान में रखनी है। तो एपिडर्मिस में अपन कोई सा भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें डर्मिस में लगाने वाले के इंजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कितने डिग्री एंगल पे जाता है, ये जाता है, ये यहां से अपन एंगल बनाता है 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, डर्मिस का एंगल है वो 15 डिग्री एंगल बनाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन सबक्यूटेनियस की अपन बात करें, ये तो 45 डिग्री, ये गलत लिखा हुआ है, 15 डिग्री है। ये देखो यहां से कितना डिग्री बना रहा है, ये स्किन है इसका, और ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री है। ये स्किन है, ये स्किन है, और ये कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री है, और ये स्किन है, ये कितना, 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। तो मोस्टली इंजेक्शन कितने प्रकार के हो गए, इंट्रामस्कुलर सबसे अंदर की तरफ, सबक्यूटेनियस उसके ऊपर वाले में, और उसके बाद में डर्मिस में, ये 3 प्रकार के इंजेक्शन हो गए इस रूट से, इस एंगल में और इस एंगल में अपन लगाते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें इंट्रा ओसियस का मतलब है, ये देखो इंट्रा स्पाइनल है,
अनस्थेसिया सुन करने के लिए L3 L4 जो ये है वर्टिब्रा है इसके बीच से अपन इसको इंजेक्ट करवाते हैं और इसके अंदर इंजेक्शन अपन देते हैं, मतलब मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ये आपके लेवल की चीजें नहीं, इन्फ्यूजन का मतलब ये बहुत पॉपुलर एक चीज है, पहले वाला भी अपने बहुत इंपॉर्टेंस था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने आपको ये सारे इंजेक्शन एक साथ क्यों पढ़ाए कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, कन्फ्यूजन का मतलब आपको ऐसी कोई चीजें कन्फ्यूजन में नहीं आए कि ये वाले क्या चीज है ये क्या चीज है, नहीं तो ये आपको मोस्टली अगर आप कॉलेज में रेगुलर पढ़ेंगे तो मोस्टली आपको कितने दिन में 2 से 3 महीने तक ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चीज डिस्कस, इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है। जैसे इन्फ्यूजन का मतलब सीधा मतलब मैंने आपको बताया कि अगर लार्ज अमाउंट है या औषधि की मात्रा ज्यादा होती है उसको अगर किसी को इन्फ्यूजन कराया जाता है उसको इन्फ्यूजन कहा जाता है, जिसमें मुंह के द्वारा जब मुंह के द्वारा अगर नहीं लिया जाए तो उस मेडिसिन को अपन किसी दूसरे रूट के थ्रू दी जाती है उसको अपन इन्फ्यूजन कहा जाता है। तो ये जो इन्फ्यूजन है वो मोस्टली इसमें देखो अब है कि मोस्टली मैंने आपको पहले भी लिख के बताया इन्फ्यूजन या कॉमन जो सॉल्यूशन यूज करते हैं इन्फ्यूजन में, मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं जो ड्रिप लगाते हैं वो ही ड्रिप को ही अपन क्या कहते हैं इन्फ्यूजन कहा जाता है। जैसे नॉर्मल स्लाइन को अपन NS बोलते हैं, इसको अपन लगाते हैं रिंगल लेक्टेड RL जिसको अपन कहते हैं D5, D10, D20 डेक्सट्रोज घोल, ये एक ही बात है ग्लूकोज डेक्सट्रोज, और ये रक्त और प्लाज्मा मतलब ब्लड एंड प्लाज्मा ये भी अपन लगाते हैं। तो ये ज्यादा अमाउंट के अंदर हो जाती है इसलिए मोस्टली इसको इन्फ्यूजन कहा जाता है। और ये इन्फ्यूजन करने के लिए मोस्टली जो मेडिसिन है या आप किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे तो उसको RL या NS D5 ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेक्सट्रोज घोल उसको क्या करते हैं लगे रहते हैं, इससे अपने उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन को कम किया जाता है, ज्यादा डोज देके उसकी न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट किया जाता है, ब्लड के अनुरूप ही जितना सारा ब्लड है उसका उसके अनुरूप या उसके ऑस्मोलिटी के अकॉर्डिंग ये क्या दिया जाता है ये नॉर्मल स्लाइन फिंगर लेक्टेड D5, D10, D20 और डेक्सट्रोज घोल दिया जाता है। अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड दिया जाता है, कितना उसका ब्लड का डोज देना है या कितना उसको क्या देना है कि यूनिट ब्लड देना है उस यूनिट ब्लड के अकॉर्डिंग अपन उसको ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो इसके बाद में नॉर्मल सी चीजें आती हैं, ये आपके कोई काम की चीज नहीं है क्या चीज होती है ये आपको बस इतना वाला ही पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है तो आपको हम आशा करते हैं कि आपने ये जो इतना पढ़ा उसके अंदर मोस्टली अपने जो डिस्कशन किया वो ये जो चीजें थी कि ड्रग मेडिसिन रूट या मेथड्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अपने पढ़ा था IM पढ़ा, इंट्रामस्कुलर, IV, इंट्रावेन्स, सबक्यूटेनियस, इंट्रा सबक्यूटेनियस, ID, इंट्राडर्मिस, इंट्रा ओसियस, इंट्रावेन्स, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा स्पाइनल, ये इतने से प्रकार के अपने ड्रग्स पढ़ा। एक अपने पढ़ा इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन में आपको ध्यान में रखना है इन्फ्यूजन का मतलब होता है ड्रिप, तो ड्रिप या जो फ्लूड देते हैं ज्यादा उसको इसके अंदर मोस्टली होता है RL होता है, NS होता है, DNS होता है, D5, D10 और D20 होता है और एक होता है ब्लड एंड प्लाज्मा। इतने से अपने टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, हम ये आशा करते हैं कि आप इसको अगेन अगेन पढ़ेंगे, ये टॉपिक अगेन शेयर करेंगे और अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो इस चीज को अगेन अगेन वो डिस्कशन करेंगे।